नमस्कार दोस्तों, वनडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईपीएल 2021 में 8 अक्टूबर का दिन लीग मैचों का आखिरी दिन है। इस दिन दो मुकाबले खेले जाएंगे और आईपीएल का रोमांच देखिए आखिरी दोनों मैचों से ही ये तय होगा कि प्लेऑफ की आखिरी टीम कौन सी होगी। मुंबई और कोलकाता इस रेस में दौड़ रहे हैं, पंजाब और राजस्थान लगभग दौड़ से बाहर हो चुकी है और इस सीजन कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है जो आज तक कभी आईपीएल में नहीं हुआ है, यानी कि एक ही समय में दोनों मैच खेले जाएंगे। मुंबई इंडियंस और हैदराबाद के बीच ये मुकाबला शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस की राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीत के साथ प्लेऑफ की जंग दिलचस्प हो गई है। मुंबई के 13 मैचों में 6 जीत के बाद 12 अंक है और उनका नेट रन रेट -0.048 है और टीम अंक तालिका में 5वें नंबर पर आ गई है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के भी 13 मैचों में 12 अंक है लेकिन नेट रन रेट के मामले में वो मुंबई से ऊपर चौथे स्थान पर है। केकेआर का नेट रन रेट +0.294 है। मुंबई को हैदराबाद के खिलाफ मैच में बड़े अंतर से जीत हासिल करनी होगी। मुंबई को हैदराबाद के खिलाफ 48 या इससे ज्यादा रन या 66 या इससे ज्यादा गेंद बचे रहते हुए मैच जीतना होगा, यानी कि 11 ओवर से पहले ही मैच खत्म करना होगा। हालांकि मुंबई ने राजस्थान के खिलाफ ऐसा कर अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई भी थी। टीम ने राजस्थान के खिलाफ मुकाबला 8.2 ओवर में ही जीत लिया था। इस स्थिति में कोलकाता के जीतने पर भी मुंबई का नेट रन रेट उससे बेहतर होगा और मुंबई की टीम प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। मुंबई के लिए ये सीजन काफी निराश कर देने वाला रहा है। मौजूदा चैंपियन प्लेऑफ में एक अदद जगह के लिए संघर्ष कर रही है। टॉप 4 में जगह बनाने के लिए टीम को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। मुंबई के लिए सीजन पहला और दूसरा हाफ दोनों खराब रहा है। टीम ने हालांकि पिछले मैच में राजस्थान के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करते हुए फॉर्म में वापसी के संकेत दिए हैं। टीम हैदराबाद के खिलाफ इसी तरीके का प्रदर्शन करना चाहेगी। वहीं हैदराबाद के लिए इस सीजन अब कुछ भी खास नहीं बीता है। टीम ने भी अपने पिछले मैच में बेंगलुरु के खिलाफ जीत हासिल की है। रोमांचक जीत हासिल करने से टीम का मनोबल काफी बढ़ा होगा। टीम पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। टीम इस सीजन आखिरी लीग मैच में जीत के साथ सीजन का अंत करना चाहेगी। वहीं मुंबई के ऊपर हर हाल में बड़ी जीत दर्ज करने का दबाव होगा। मुकाबला शेख जायद स्टेडियम में शाम के 7:30 बजे से खेला जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हैं वन इंडिया के साथ।